साथियों, यहाँ पर अन्वेषक और शिक्षा मित्रों के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है, खुशखबरी। सरकार ने बड़ा संकेत दिया है, खुशखबरी दी है और कहा है कि अब हमारे छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को जोड़ा गया है। वो आंकड़े बताए हैं माननीय विशिष्ट शिक्षा मंत्री में विधानसभा में मुकेश वर्मा जी के एक सवाल पर। क्या है पूरा समाचार, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्वेषक न्यूज़ में। साथियों, यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी अनुदेशकों के लिए एवं शिक्षा मित्रों के लिए है, बड़ा समाचार है और ब्रेकिंग न्यूज़ हम कह सकते हैं इस खबर के लिए। साथियों, मामला ये था कि डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, जो कि विपक्ष के नेता हैं और इस समय लगातार विधानसभा में विपक्ष सवाल उठा रहा है विशिष्ट शिक्षा विभाग से संबंधित, अन्य समान कार्य समान वेतन से संबंधित, तो एक प्रश्न किया गया था डॉक्टर मुकेश वर्मा जी के द्वारा और उसमें माननीय विशिष्ट शिक्षा मंत्री जी से पूछा था, क्या विशिष्ट शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान बच्चों तथा नियमित अध्यापकों की संख्या कितनी है। जिसमें बताया गया उत्तर है, प्राथमिक विद्यालय 1,28,60,939, नियमित अध्यापकों की संख्या 3,32,734। इसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 52,53,772 बच्चे और जिन पर अध्यापक हैं 1,20,860। अगला क्वेश्चन, क्या सरकार बताएगी RTE अधिनियम के मानक का अनुसार 30 बच्चों पर एक अध्यापक का मानक प्रदेश में पूर्ण है। तो उन्होंने उत्तर दिया, 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 1,28,60,939 तथा शिक्षकों की संख्या 3,32,734 है। छात्र शिक्षक अनुपात 38:1 है। फिर उत्तर दिया उन्होंने, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक मित्रों की यानी शिक्षा मित्रों की संख्या 1,47,766 है, जिनको सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 26:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करने की बात कही है शिक्षक के रूप में। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। अब सवाल उठता है, क्या उनको भी पे ग्रेड वेतनमान जो भी नियमित शिक्षकों को मिलता है वो मिलेगा। ऐसे कुछ आसार हैं कि हाँ, ये संभव हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 52,53,772 तथा अध्यापक संख्या 1,20,860 है। छात्र शिक्षक अनुपात 43:1 है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में अन्वेषकों की संख्या 27,555 को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 मानक के अनुसार पूर्ण है। फिर प्रश्न है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त का जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी, यदि नहीं तो क्यों। जवाब दिया, उक्तवत संदीप सिंह राज्य मंत्री। साथियों, यहाँ पर बताना चाहूँगा, अतरांकित उत्तर में यानी कि लिखित, अतरांकित कहते हैं, लिखित उत्तर में दिया है माननीय विशिष्ट शिक्षा मंत्री ने बड़ा संकेत अन्वेषकों को और शिक्षा मित्रों को नियमित करने का। उनको शिक्षक मान लिया है शिक्षा विभाग ने, सरकार ने, ये निश्चित हो गया है, जिसका लिखित प्रूफ, लिखित सबूत अब हमारे पास है, जिसको हम आगे एक सबूत के रूप में कोर्ट में पेश कर सकते हैं। सरकार की इस लिखित बात को, इससे हम उनसे मनवा सकते हैं कि आपको हमें समान कार्य समान वेतन देना होगा, हमको जो भी नियमित शिक्षकों को पे ग्रेड मिलता है वो आपको देना होगा। ये बड़ी खुशखबरी है हम सभी के लिए।
लेकिन ठहरी जनाब, यहाँ पर देखिए क्या खबर छपी है प्रयागराज से। शिक्षा मित्र निदेशकों को बताया, शिक्षक आक्रोश। आक्रोश कौन कर रहा है? पढ़ते हैं इस खबर के लिए। प्रयागराज प्रमुख संवाददाता विषय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के जवाब ने नई शिक्षक भर्ती आंदोलन को झटका लगा दिया है। विधानसभा में डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर संदीप सिंह ने जवाब दिया। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 3,32,734 नियमित शिक्षकों के साथ 1,47,766 शिक्षा मित्रों को शिक्षक माना है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूल में कार्यरत 1,20,860 नियमित शिक्षकों के साथ 27,555 अंशकालिक अंशकों को शिक्षक माना है। इससे खलबली मच गई है नई शिक्षक भर्ती के लिए। नए प्रतियोगियों में कह सकते हैं जो शिक्षा में या शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में आवेदन करना चाह रहे हैं, उनमें खलबली मच गई है। आपको बताना चाहेंगे, आगे लिखा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात पूरा होने के कारण नई शिक्षक भर्ती भी कम दिखाई पड़ रही है। शिक्षा मित्रों और अंधेशों को शामिल करने के कारण भर्ती की उम्मीद धूमिल होते DLED व BTC बेरोजगारों में आक्रोश है। DLED प्रशिक्षित पंकज मिश्रा का कहना है कि जब शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द हो चुका है तो उन्हें छात्र शिक्षक अनुपात की गणना में शामिल करना अनुचित है। योगी सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार किया है कि अभी 51,112 पद रिक्त हैं। ये समाचार खलबली मचा रहा है शिक्षा विभाग में, और आप देख सकते हो किस तरीके से इसको छापा गया है, इसको प्रकाशित किया गया है समाचार पत्र के माध्यम से। आप देखते हैं साथियों, स्पेशल कवरेज न्यूज के माध्यम से विक्रम सिंह ने क्या अपने विचार रखे इस पूरे मामले में। सर, मैं आज एक मुद्दा रखना चाहता हूं सर। आज विधानसभा में समाजवादी पार्टी के डॉक्टर मुकेश वर्मा जी ने एक सवाल पूछा था कि छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या है, कितने बच्चे हैं और कितने अध्यापक है। सर, ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है जिस पे आज संदीप सिंह जी ने लिखित जवाब दिया सर, जो कि सरासर गलत है और सरासर शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। सर, मैं आपको बताऊं सर, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या 1,28,60,939 है और अध्यापकों की संख्या 3,32,734 है, और इसमें छात्र शिक्षक अनुपात देखा जाए तो 38:1 का अनुपात आता है, जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 30:1 का अनुपात होना चाहिए। लेकिन सरकार की कारगुजारी सर, यहाँ देखिए, यहाँ पे शिक्षा मित्र 30:1 हो जाए, इसके लिए इन्होंने शिक्षा मित्र को जोड़ दिया है। 1,47,766 शिक्षा मित्र को जोड़कर यह अनुपात इन्होंने 26:1 कर दिया है। सर देखिए कितनी बड़ी कारगुजारी है। आप शिक्षा मित्र को नियमित नहीं करोगे, उनको अध्यापक नहीं मानोगे, उनको वेतन नहीं दोगे, लेकिन नियुक्ति न करनी पड़े इसके लिए आप उसको उसमें जोड़ देंगे। अब मैं सर आता हूँ उच्च प्राथमिक विद्यालय में, जिसमें बच्चों की संख्या 52,53,772 है और अध्यापकों की संख्या 1,20,860 है। यहाँ भी सर देखिए सरकार की कारगुजारी, यहाँ पे जो अनुपात आता है वो 43:1 का है, जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ये 35:1 का होना चाहिए, लेकिन 35:1 का नहीं हो पा रहा है। इसमें भी सरकार ने कारगुजारी की है, यहाँ पे अनुदेशकों को इसमें जोड़कर या जो मानक है 26:1 कर दी, 35:1 आ गया है, जब 27,555 अनुदेशक को जोड़ दिया गया है। सर, हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं कि उन्होंने इसको जोड़ने का कार्य किया है, लेकिन सरकार की मंशा पे भी संदेह करते हैं। आप अपना मानक पूरा करने के लिए कि आपको अध्यापकों की भर्ती न करनी पड़े, इसके लिए शिक्षा मित्र और अनुदेशक को जोड़ दिए, ठीक है, अच्छी बात की जोड़ दिए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन शिक्षा जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसके अंतर्गत आप हमको नियमित तो करो। यदि आप अध्यापक का दर्जा सरकार को देना पड़ गया, आप अध्यापक भी बनोगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जरूरत पर सब कर लेते हैं। जब अमिताभ बच्चन उनकी उल्टी हुई तो उन्होंने उसे बेटा कहा फोन पर, तो अब आपको अध्यापक कहना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं तो राहत मिलती नजर आ रही है। कागजबाज अध्यापक तो हो गए, आपसे कहता है आपका हेडमास्टर उस अनुदेशक से मिल लीजिए, आपसे बड़ी हीन भावना होती है। अब अध्यापक कह दिया फिर भी हीन भावना है, तो आप संदीप सिंह को गलत बता देते हैं। मैंने हीन भावना नहीं है सर, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसका मेहनताना भी तो हमको दीजिए। जिस देश में धारा 370 का खत्म हो सकता है, यदि राम मंदिर बन सकता है, 3 तलाक समाप्त हो जाता है, हो सकता है, क्या उस देश में अनुदेशक की समस्या इससे बड़ी समस्या हो गई है कि उसको पूरा नहीं किया जा सकता है? आज जब आपको अपने पे पड़ी है तो आप हम
हमको उसमें जोड़कर उस मानक को कम करते हो क्योंकि आपको अध्यापकों की भर्ती ना करना पड़े, लेकिन हमको वेतन देना हो तो आपके सामने तरह तरह की समस्या खड़ी हो जाती है सर। सवाल सरकार की मंशा पे इसलिए है सर, और ये सरकार मानवीय संवेदना भी नहीं दिखाती है कि किस प्रकार से एक अनुदेशक 233 रुपया 33 पैसे में इस महंगाई के दौर में, और सर कल से 1 जून प्रारंभ हो जाएगा, 1 जून से 30 जून तक हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, यदि 11 महीना हम उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी करते हैं तो 1 महीना कल से हम कहां जाएंगे, हम किसके दरवाजे पे जाएंगे, किस दुकान पे जाएंगे, या आप हमको नौकरी पे रख लो और 30 तारीख को हमको कम से कम 7,000 दे दो, तो कौन ऐसा करेगा सर। तो 11 महीना तो आप देते हो लेकिन 1 महीना कौन देगा, इस पे भी सरकार को जवाब तलब होना चाहिए, सरकार को इस पे भी सोचना चाहिए। आप कस्तूरबा के विद्यालय में वहां भी अनुदेशक है, उसको आप 11 महीना 29 दिन देते हो, अरे हमको भी तो कम से कम 11 महीना 29 दिन दो। सरकार की मंशा इस पे सड़क खड़ी होती है, नियत के पे सवाल इसलिए खड़ी होती है, इनकी नीति पे सवाल इसलिए खड़ी होती है कि आज आप पे पड़ी है तो आप नियम को बदल दोगे। इससे पहले हम लोगों ने कई बार मांग किया कि छात्र शिक्षक अनुपात में हमको भी शामिल किया जाए, लेकिन आप शामिल नहीं कर रहे थे, लेकिन आज आपको जब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अध्यापकों की भर्ती करनी पड़ेगी तो आप इसको शामिल कर लिए। अच्छी बात है शामिल कर लिए, लेकिन हमको तो उसमें तनख्वाह में भी वेतन में भी शामिल कराएंगे, इसीलिए के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। धीरे धीरे आने दो, यही कागज तो आपके कोर्ट में एविडेंस बनेंगे। आज तो विक्रम सिंह राजधानी में विक्रम सिंह दिखाई दे रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं अब तो अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। नमस्कार जी, बिल्कुल।